हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम कहीं जाने वाले हैं, हम बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं। आपको वीडियो के थंबनेल में देख के पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले, कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और ओ नो, टायर तो पंचर हो गया है। अब कैसे जाएंगे? अब हमें जाना पड़ेगा दूसरी गाड़ी में। इसमें चलते हैं, ये तो पंचर है। ठीक है, निकाल बाहर, खोलेंगे सबसे पहले गेट। और ये हमारे घर का छोटा सा गार्डन है। हेलो जारा, निकाल ले बाहर। ये हमारे तबरेज भाई गाड़ी बाहर निकालते हैं। तो जा रहा है हम बाहर। ऐटा स्टॉप लेते हैं हम गणेश पेट्रोल पंप बिछिया में, और यहाँ से भराएंगे हम फ्यूल, जो कि हमारी किया सेल्टोस, ये डीजल वेरिएंट है, वजह से हम भराएंगे फ्यूल। तो दोस्तों, आसिम भाई ने बताया अचानक कि हम जा रहे हैं खैराकी, क्योंकि एक व्यू पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह है, पिकनिक पॉइंट है। और ये इधर से जाएंगे लेफ्ट, और ये सिजोरा, बिछिए के पास एक सिजोरा है, उधर से जाना पड़ता है इसको। और यहाँ से हमने लिया है लेफ्ट, और आप बस कुछ देर में हम खैराकी में होंगे। चलिए, दिस इज अ खैराकी। ऑफ रोडिंग तो काफी अच्छी हो जाएगी इधर आने के बाद। थोड़ी सी मैं अगर रिकमेंड करूंगा, अगर किसी को गाड़ी, तो थोड़ी ऊंची गाड़ी होना चाहिए, मिनिमम 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो होना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि कब किस वक्त कहाँ जाना पड़ जाए। कम ग्राउंड क्लियरेंस में ये होता है, जैसे कि ऑनडी एक्सटेंट हो गई, उनमें क्या, अब 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं भी आना हो जाना हो तो वो गड्ढा गुड्ढू देखना पड़ता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लेनी चाहिए। एसयूवी लुक है, थोड़ा एक मैसी लुक आता गाड़ी में, और अच्छी भी लगती है। रिकमेंड कर, अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, जिसको अगर लेना चाहे, 8 लाख से 10 लाख रुपये से बजट है जिसका, और अगर कमेंट करेगा हमें हमारे चैनल में, तो हम उन्हें बताएंगे कि किस टाइप की गाड़ी लें आप। जैसे कि हम अब ऐसी रोड में चला रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है ग्राउंड क्लियरेंस। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एकदम व्यू पॉइंट की तरफ, आप देख लें खैराकी। ओहो, जंगल। अच्छा, सफारी। क्या लुक है, और बहुत
जबरदस्त, ऐसा लग रहा है किसी जंगल में आए हम लोग। बहुत शानदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, मजा आ गया। जगह देंगे आप? व्यू पॉइंट चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं, जो सबसे देखने वाली बात है कि कुछ लेडीज़ यहाँ पर मछलियाँ मार रही हैं, और मछली मारने की टेक्निक देखें आप उनकी। उस जगह पर देखिए, ये बना के रखे हैं बेहतरीन, उस जगह को घेरा गया है, उससे पानी हटाया जा रहा है, और पानी हटाने के बाद वो जितनी जगह बचेगी वहाँ से मछली ला जाएगा, और मछली फंस भी जाएंगी अगर मौका मिलेगा तो इनसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप व्यू देखें, बहुत शानदार जबरदस्त व्यू है। और बंदर देखें, बंदर आपको बंदर दिखाते हैं, तो बंदर है। बहुत शानदार अद्भुत नजारा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। देखें आप बंदर, एक बंदर बिल्कुल अपने बच्चे को लटकाया है, ये भी यहाँ पर भी बंदर लटकाए और हमको देखकर भाग रहा है। हम आपको ले जा रहे हैं जहाँ इस ये पार्ट जो है जिससे फेमस है, इसके एक झरना है फॉल, हम वहाँ ले जाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। बतलाए हैं कि रोड इधर ही से चलते हैं। ये पार्ट बहुत ही शानदार, अद्भुत नजारा है देखने में, क्या पत्थर पत्थर पत्थर, लेकिन चिकने पत्थर है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा आगे मैं अब जाऊंगा, जाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आगे यहाँ पर फॉल है और इधर ये व्यू पॉइंट है। आते हैं लोग बाग, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर अपनी आस्था लेकर, कुछ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, कुछ लोग आस्था में आते हैं, मकर संक्रांति के दिनों, होली के दिनों ये बहुत पैक चलता है और काफ़ी भीड़ रहती है। हमने ऐसा दिन चुना है कि भीड़ ना हो, आराम से आपको बताया जा सके इसके बारे में। तो यह है एक छोटा सा झरना।
और ये फिसल पट्टी स्लिप, बहुत स्लिप मारने वाली जगह है ये, अगर आप गौर करें तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत स्लिपी जगह है ये। और डिस्क्लेमर रखना पड़ेगा इसके सामने, चलते हैं आगे। चल रहे हैं बिल्कुल, अब मेन झरना दिखाना है आपको। और जगह देखिए आप, काइस से भरी हुई लवरेज, लेकिन जाना तो है। आ गए सर, बहुत कठिन डगर पनघट की। चलिए आप पानी की कलकल अगर महसूस कर रहे होंगे, और मेन झरना भी आपको दिखाना बाकी रह गया है, हम जल्दी से जल्द उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो ऊपर की तरफ, यहाँ सब छोटे छोटे बहुत सारे झरने हैं। यहाँ भी एक है, ऊपर एक मिला रहा, यहाँ पे भी देखो नीचे, इधर देखो राइट तरफ पत्थर के पीछे भी एक झरना बह रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है ना, पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, तो पिकनिक करना है तो यहाँ आओ। नजारा देखें, जल्दी नहीं मिलते, जल्दी नहीं मिलते नजारे ऐसे जो कि आपको दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार अद्भुत नजारा है। हम लेके आ गए बिल्कुल पास में आपको, और ये देखिए इसका व्यू देखिए आप, जो कि काबिले दीद है, दूध की तरह बह रहा है। थोड़ा और पास में आपको ले जाके दिखाता हूँ, पानी पूरा हमारे मोबाइल में आ गया है, लेकिन है दूध काबिल दूध। यहाँ पे पहाड़ों के बीच सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा नजारा है, डूबता हुआ सूरज नजर आएगा, बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय नजारा आप देख सकते हैं इधर, जो कि इसकी झरना तो वाकई बहुत खूबसूरत है। जान को जोखिम में डालते हैं ब्लॉगर, इतनी कठिनाइयों के साथ आपको दिखाते हैं, वो रास्ता पार कर रहे हैं कुछ यहाँ के नागरिक। देखो आप कितनी मुशक्कत से, यहाँ पुल भी नहीं है, इधर से उधर दूसरे गांव की तरफ जाना रहता है, तो बहुत कठिनाइयों से बच्चे को ले जा रहे हैं। देखो देखो बहुत कठिनाइयों से झरना पार करेंगे। ओह अंकल जी, आपकी कठिनाई को सलाम। और
आखिरी में हम ये आते हैं कि ये बहुत अच्छी व्यू पॉइंट है। इसका नाम क्या था भाई? तैराकी। ये व्यू पॉइंट अच्छा, बिछिया से 6-7 किलोमीटर दूर है, देखने लायक जगह है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आ सकते हैं आप, पिकनिक बना सकते हैं। पिकनिक पॉइंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। छोटे छोटे झरने हैं, मंदिर है पास में, मंदिर अगर बैठ करती हो तो देखें, मंदिर है पास में, आप मंदिर जा सकते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, नहा सकते हैं, नहाने के लिए बेहतरीन पानी है, और बस इतना ही है। और पत्थर है बहुत सारे, पिकनिक में खाना बनाना जो करना आप कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दबाना ना, और लाइक जरूर करिएगा, लाइक बटन नहीं है, है ना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाएंगे जरूर। धन्यवाद।